संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही मीडिया की कैची हेडलाइन साबित होती है। लेकिन इस साल सलमान खान पर काफी भारी पड़ते दिख रहे हैं बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस साल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जहां संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म संजू ने कमाई के मामले में सलमान खान की फिल्म रेस 3 को काफी पीछे छोड़ दिया है। संजू ने 27 दिनों में 333 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं भाईजान की एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 3 रिलीज के दूसरे हफ्ते ही काफी फीकी पड़ गई थी और बॉक्स ऑफिस पर केवल 170 करोड़ की कमाई ही कर पाई। जानकारों का ये भी मानना है कि सल्लू भाई की फिल्म रेस 3 की कमाई पर रणबीर कपूर स्टारर फिल्म संजू का साया पड़ गया, जिसकी वजह से रेस 3 की कमाई पर ब्रेक लग गया। वहीं बॉक्स ऑफिस पर संजू ने कमाई का कीर्तिमान बनाते हुए साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जिसमें पद्मावत के 302 करोड़ के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए 333 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। ये तो संजू के नाम का ही जादू है कि बॉक्स ऑफिस पर हर ओर संजू संजू गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री।